उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच व थाना हरगांव की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इनामिया सातिर अंतर जनपदीय अपराधी मुस्लिम खान पुत्र जावेद निवासी रंगीला थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जानकारी दी कि अपराधी मुस्लिम खान सातिर अपराधी है तथा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी का रहने वाला है। आज इस अपराधी मुस्लिम खान की मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है, इसके बाद अपराधी मुस्लिम खान पुलिस पर फायर झोंक देता है और गोली पुलिस निरीक्षक की बॉडी प्रोटेक्टर में जा लगती है, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस मुस्लिम खान पर गोली चलाती है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पुलिस का यह भी कहना है कि मुस्लिम खान के पास से एक अदद अवैध तमंचा एवं कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस घायल अपराधी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सातिर अपराधी मुस्लिम खान पर पूर्व से अनेकों मुकदमे दर्ज हैं तथा सीतापुर पुलिस लंबे समय से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। अपराधी मुस्लिम खान ने सीतापुर में अनेक चोरियों की वारदात को भी अंजाम दिया था। आइए आपको भी सुनवाते हैं सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने उपरोक्त मुठभेड़ के विषय में क्या जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट सदागति टाइम्स। आज जनपद सीतापुर के थाना हरगांव के अंतर्गत एक अपराधी जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित था, इसके साथ पुलिस टीम की जिसमें थाना हरगांव की पुलिस और एसओजी की टीम शामिल है, इनकी मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का नाम मुस्लिम खान है। ये रंगीला नगर थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। इस अपराधी के द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को कारित किया जा रहा था। ये जनपद सीतापुर में चोरी की विभिन्न घटनाओं में पूर्व से वांछित चल रहा था। उसी के क्रम में आज जब इसको यहाँ पर चेकिंग के दौरान रोका गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है जहाँ इसका इलाज चल रहा है। हमारे भी एक पुलिस निरीक्षक के पास में एक गोली लगी है, उनके जो उनका बॉडी प्रोटेक्टर है उसमें गोली लगी है, लेकिन उनकी हालत सही है, उनको कोई खतरा नहीं है। पुलिस टीम के द्वारा इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, साथ में एक अवैध शस्त्र, कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ दगे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसका आपराधिक इतिहास जब चेक किया गया तो इसके विरुद्ध पहले से लगभग 13 मुकदमे कायम हैं जो विभिन्न जनपदों के हैं। ये अंतर जनपदीय अपराधी है। इसके विरुद्ध इसको जेल भेजकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जनपद सीतापुर में पुलिस के द्वारा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रहेगी।